सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड अंडर रिजिड बॉडी मोशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आप स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक का ही ये एक भाग है कह सकते हैं इसको। देखिए अपन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक, फ्लूइड डायनेमिक, इसी पे पूरा का पूरा हमारा FM बेस्ड है, ठीक है। तो अभी जो हमारा चैप्टर, आई थिंक ये चैप्टर 5 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, चैप्टर 5। और चैप्टर 5 में हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड अंडर रिजिड बॉडी मोशन। तो जनरली में ये चैप्टर 5 ना होकर ये पार्ट 5 कहा जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, जो चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 5 में बता रहा हूँ, यहाँ तक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड स्टैटिक के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो चैप्टर 5 करना एक्चुअल अगर SSC JEE की बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर 5 ही है, बट अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये फ्लूइड स्टैटिक का ही एक पार्ट है, और कह सकते हैं फ्लूइड स्टैटिक का पार्ट 4 है। इसके बाद से स्टार्ट होगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स हमें पढ़ना होगा, ठीक है, उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक हमें पढ़ना होगा, और लास्ट में हमें डायमेंशन एनालिसिस पढ़ना होगा, क्लियर है। तो ये 3 टॉपिक और हम पढ़ेंगे तब जाकर हमारा FM खत्म होगा, और उसमें से सबसे टफ जो मुझे लगता है खासकर, तो वो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जो मुझे भी टफ लगता है जनरली, क्योंकि आप भी जब मैं आपको पढ़ाओ पढ़े हुए पुराना तो आप आइडिया होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको भी क्लियर हो जाएगा क्यों इसे हार्ड बोला जाता है। चलिए छोड़िए, फ्लूइड स्टैटिक की बात करते हैं। तो गाइड फ्लूइड स्टैटिक है, तो मैंने बताया था सियर स्ट्रेस 0 फ्लूइड के केस में, 2 केस में होता है, सियर स्ट्रेस की वैल्यू 0-2 में होती है। एक तो या तो फ्लूइड रेस्ट होता है, इन दैट केस सियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, या दूसरा क्या होता है, फ्लूइड हमारा रिजिड बॉडी की तरह काम करता है, रिजिड बॉडी मोशन में रहता है, रिजिड बॉडी मोशन में होता है। मैं आपको सेकंड जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बॉटल का एग्जांपल देकर बताया था, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट अगर स्पीड से अगर उसको हम करें तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर एक लेयर बॉटल का एग्जांपल देकर आपको समझाया था, आप अच्छे से आई थिंक क्लियर होगा आपको, चैप्टर 2 जब पढ़ा रहा था तब मैं बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता, बॉडी रेस्ट है, सियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब होता है गाइस नो डिफॉर्मेशन, फ्लूइड में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो फ्लूइड इस तरीके से जैसे ये रेस्ट में रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सियर स्ट्रेस विल बी 0, और ये फ्लूइड हमारा रेस्ट में है, तो अपन कह सकते हैं कि यस इट इज देयर विल बी नो सियर स्ट्रेस एंड देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन, ठीक है। और इसी को अगर मैं कुछ एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, इसी को अगर मैं कुछ एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर दूं इस बॉक्स को, तो थोड़ी देर बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो पानी का जो अभी देखो पानी का ये फेस बना हुआ, इस तरीके का फेस बना हुआ, और जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दूंगा, ये कुछ इस तरीके का हमारा ये फेस बन जाएगा, इस तरीके का हमारा कुछ फेस बन जाएगा, है ना। मैं इसको डार्क करके आपको देता हूँ, ठीक है, है ना। तो इस तरीके के सरफेस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, जब फ्लूइड रेस्ट में था तब एक उसने जो फ्लूइड जो था इस कंटेनर के अंदर, इसको बोल रहा हूँ लेयर 1, कुछ इस तरीके का दिखता है। फिर जैसे मैंने उसको एक्सेलरेट किया एक्स डायरेक्शन में, तो ये जो फ्लूइड एक नया लेयर फॉर्म कर लिया, ठीक है, पहले लेयर 1 था, अब नया एक लेयर फॉर्म कर लिया जिसको मैं बोल रहा हूँ लेयर 2, इस तरीके का डिफॉर्मेशन हो गया। बट अगर आप कांस्टेंट, क्योंकि रिजिड मोशन आप क्या पढ़ रहे हो, टॉपिक फ्लूइड अंडर रिजिड बॉडी मोशन, तो अगर आप रिजिड बॉडी मोशन चाहते हो, तो आप जो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आप दे रहे हो, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर आप दे रहे हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दोगे तो क्या होगा, ये जो जो सरफेस फॉर्म हुआ है, जब रेस्ट में था तब सरफेस 1 फॉर्म था, और जब मोशन में आने के बाद सरफेस 2 फॉर्म हो गया, और उसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर आप इस बॉक्स को कंटेनर को मूव कर रहे हो, तो यही ये जो है यही लेयर फॉर्म रहेगा, 2 से 3rd लेयर नहीं बनेगा, यही लेयर रहेगा। तो आप मोशन में भी हो, रिजिड बॉडी मोशन क्या है कि आप मोशन में भी हो बट आपका डिफॉर्मेशन हो नहीं रहा है। एक बार डिफॉर्मेशन हुआ, जैसे आप रेस्ट से उसको मोशन में किए, तो एक बार डिफॉर्मेशन हुआ, कैसे डिफॉर्मेशन हुआ, जो लेयर 1 है लेयर 2 की तरह बदल गया, एक बार डिफॉर्मेशन स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद कंटिन्यूअस आप कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन तक रखो, आपका यही लेयर 2 ही इसी तरीके का लेयर फॉर्म कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रिजिड बॉडी मोशन क्या है। तो गाइस हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन किस तरीके का बनता है मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। जैसे पहले तो मैं आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की ओर जेड डायरेक्शन,
इधर की ओर x डायरेक्शन और ये है हमारा y डायरेक्शन, क्लियर है। y x सरफेस ऑफ वाटर है, z अप डाउन अप डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में मोशन तो पूछता है कि आप ऐसा क्या एक्सीलरेशन रखिए कि ये पानी यहाँ से स्पिल आउट हो जाए, स्पिल आउट होना स्टार्ट हो जाए, या पूछेगा कि ऐसा क्या एक्सीलरेशन आपके इस कंटेनर का रखें, ऊपर से कंटेनर खुला है और मुझे एक्सीलरेशन भी ऐसा रखना है कि पानी क्या, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सीलरेशन बढ़ाते जाओगे ये लेयर किस तरीके का फॉर्म होने लगेगा, ये लेयर फिर हमारा इस तरीके का फॉर्म होगा, फिर इस तरीके का फॉर्म होगा, है ना, और यहाँ से पानी स्पिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो आपको एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन रखना है ताकि आपका काम भी हो जाए, आपका सामान उतनी जल्दी वहां पे पहुंच भी जाए और आपका जो अंदर का माल है वो बाहर निकले भी ना, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन बनता है, आपको क्वेश्चन में इस टॉपिक पे कराऊंगा। फिलहाल जो इसका डेरिवेशन वगैरह आप थोड़ा सा कर लें। देखिए दो तरीके का मोशन है यहाँ पे देखने वाले हैं, एक एक्स डायरेक्शन का मोशन देखेंगे, एक ट्रांसलेटरी मोशन देखेंगे, और एक अगर मैं इस कंटेनर को रोटेट करूंगा इन दैट केस ये जो लेयर किस तरीके का फॉर्म होगा। अभी तो ट्रांसलेटरी मोशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लेयर हमारा वन, पहले वन लेयर था, अब सेकेंड इस तरीके का स्लोप टाइप का लेयर हमारा पानी का बन गया है ना। तो इसी तरह का जब ये रोटेट करेंगे तब किस तरीके का लेयर बनेगा, वो सब चीजें। तो देखिए फ्लूइड स्टैटिक आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो फ्लूइड स्टैटिक का जनरल इक्वेशन हमने डिफाइन किया था एक्स डायरेक्शन के लिए, क्या डिफाइन किया था, डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस रो बॉडी फोर्स पर यूनिट एरिया इन एक्स डायरेक्शन विच इज इक्वल टू रो ax। ओके, इसी तरह मैंने y के y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में मैंने फ्लूइड स्टैटिक्स का जनरल इक्वेशन लिख दिया। ये क्या है गाइस, ये है फ्लूइड स्टैटिक का जनरल इक्वेशन बोला जाता है, तीनों डायरेक्शन में जनरल इक्वेशन। मैं इस जनरल इक्वेशन डिराइव करना भी आपको बताया था लेक्चर 2 में, आई थिंक मैंने आपको बताया था फ्लूइड स्टैटिक्स का। ऐसे ही हम जब फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसका भी जनरल इक्वेशन इस तरीके का बनाएंगे और उसी पे बहुत सारी चीजें पूरी रहती हैं। तो इसमें देखिए हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी मोशन है, मतलब टाउ की वैल्यू जीरो है, देयर विल बी नो शियर स्ट्रेस, देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन, ठीक है। और टाउ की वैल्यू जीरो है और जो आपका बॉडी है वो किस तरीके का काम कर रहा है, जो बॉडी है वो काम कर रहा है रिजिड बॉडी मोशन, मोशन में है बट वो रिजिड बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, रिजिड बॉडी मोशन है। तो इससे क्या समझ में आता है कि x डायरेक्शन में बॉडी बॉडी मास पर यूनिट एरिया दैट इज बी एक्स, x डायरेक्शन में बॉडी मास पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू बॉडी फोर्स, सॉरी बॉडी फोर्स पर यूनिट एरिया x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो बॉडी फोर्स, बॉडी फोर्स समझते हो ना, y डायरेक्शन में भी जीरो और z डायरेक्शन में जो होगा वो क्या, ग्रेविटी के अपोजिट मतलब माइनस जी हो जाएगा बॉडी फोर्स, ठीक है। बार बार चीजें को, ये चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। और x डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन कर रहे हो तो मैं x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो लिख देता हूँ, y डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा इसलिए इक्वल टू जीरो, और z डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा इसलिए इक्वल टू जीरो। ये मैंने कुछ कंडीशन लिया। अब ये जो कंडीशन है गाइस, ये कंडीशन x के लिए यहाँ, ये इसमें और ये z वाला इसमें आप पुट करोगे तो यहाँ से आपको एक नया इक्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ओके, तो ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे इस इक्वेशन में, इसमें ये सारे जो भी एजम्पशन हमने लिया है, तो ये हमारा इक्वेशन फाइनली ये इक्वेशन बनकर आ रहा है, ठीक है। डेल पी चेंज इन प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इनटू एएक्स, रो दैट इज डेंसिटी, एएक्स इज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ओके, नाउ डेल पी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, डेल पी अपॉन डेल जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस रो जी, ठीक है। Now, अब इसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि जो प्रेशर है, डेल पी की प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर किसका फंक्शन है यहाँ पे, प्रेशर जो है वो किसका फंक्शन है, वाई का तो नहीं है, एक्स और जेड की वैल्यू है, इसलिए जो प्रेशर है हमारा एक्स और जेड का फंक्शन है, और जो प्रेशर है इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई, वाई डायरेक्शन का प्रेशर वाई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, एक्स और जेड डायरेक्शन पे जनरली प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, यहां से मैं अगर टोटल प्रेशर की बात किया जाऊं, टोटल प्रेशर की बात किया जाए, तो व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंटेनर, दैट टोटल फोर्स, टोटल प्रेशर इज पार्शियल चेंज इन प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, प्लस पार्शियल चेंज इन प्रेशर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो वैल्यू है पुट कर दें, dp इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस रो ए एक्स,
तो यहाँ पे पुट कर देते हैं माइनस रो ए सबस्क्रिप्ट में एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डेल पी अपॉन सॉरी नॉट वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, ठीक है, वाई डायरेक्शन तो प्रेशर डिपेंड ही नहीं करता है, दिस इज डी जेड, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, यह जाएगा दैट इज माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, यहाँ पे माइनस नहीं, ये इसमें ये वैल्यू पुट करोगे ये फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस रो जी बी जे। अब देखिए अब इस पे क्या हो रहा है गाइस, ये जो नया लेयर फॉर्म हुआ है, पहले लेयर वन था और जब हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड किए तो लेयर टू बन गया, तो इस पे क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा होगा इस पे सारे पे जितने ये लेयर है, स्लोप लेयर का जो स्लोप है टू सेकेंड लेयर पे उस पे एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा होगा, ठीक है, तो एट फ्री सरफेस प्रेशर एवरीवेयर इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, therefore we can write that the total pressure is equal to zero and from that यहाँ पे zero put करिए तो equation आ जाएगा zero is equal to minus rho a x dx minus rho g d z, ठीक है, अब यहाँ से इसी में से आप equation को अलग कीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा that is dz upon dx is equal to माइनस ऑफ ए एक्स अपॉन जीरो से रो कट जाएगा और आपका ये इक्वेशन आएगा। ये डेरिवेशन इसलिए करा जनरली मैं डेरिवेशन और ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको और एसएससी जेई के लिए मैं उतना डीप में जाके पढ़ाता भी नहीं हूँ चीज़ें, ये इसलिए बता रहा हूँ गाइस कि आप ट्रांसलेटरी जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना उसकी चीज़ें समझ जाएँ, ठीक है, ट्रांसलेटरी के मोशन को अगर आप समझ जाएंगे कि ट्रांसलेट मोशन में किस तरीके से ये लेयर वन से लेयर टू फॉर्म हो गया, ठीक है, तो उसी तरह रोटेशन का सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, डेरिवेशन को आपको वैसे तो ये भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, है ना, बट आपको समझना है कि भाई ये हो क्या रहा है, हमेशा ऐसे ही करता हूं मैं आपको सारे लेक्चर्स में देखोगे दो तीन तरीके का रहता है तो एक डेरिवेशन आपको बता देता हूं, बाकी के मैं फॉर्मूला और ताकि आप कोरिलेट कर सके चीजों को, ठीक है, ये हो जाता है। अब ये dz अपॉन dx है क्या, ये dz अपॉन dx क्या है, ये अगर ध्यान से इस इक्वेशन इस डायग्राम को देखोगे ये यही तो है, ये अगर मैं ये पॉइंट ओरिजिन मानूं तो ये हमारा क्या है, डायरेक्शन देखिए नीचे डायरेक्शन में बताया हूं, ये जेड डायरेक्शन है और ये क्या है, ये है हमारा एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डीजेड अपॉन डीएक्स जो है वो निगेटिव हो रहा है, डीजेड अपॉन डीएक्स इज निगेटिव, इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस, इसका मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये इक्वेशन डीजेड अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स अपॉन जी, तो dz अपॉन dx निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप x ये बढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे क्योंकि ये ओरिजिन में माना हो तो ओरिजिन से इधर की ओर जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, ओरिजिन से इधर जाओगे तो x की वैल्यू निगेटिव जाएगी, तो जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो तो ये z क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो देखिए ये है हमारा z जो कि निगेटिव में जा रहा है इधर की ओर, तो जैसे जैसे x आप बढ़ा रहे हो z आपका निगेटिव जाता जा रहा है, और जैसे जैसे x को अगर आप निगेटिव कर रहे हो इधर x को अगर निगेटिव कर रहे हो तो z आपका क्या हो रहा है, z आपका पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये dz upon dx है, ये it is nothing, it's only that the slope of that layer 2, ठीक है, ये layer 2 का slope है और ये horizontal से अपन मान लेते हैं जो layer 2 develop है it is 5, ठीक है, तो अपन dz upon dx को क्या लिख सकते हैं, tan phi is equal to minus ax upon y, ठीक है, ये हो गया, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखोगे अगर फिगर को देखो, अगर ये tan phi है या horizontal से ये layer 2 tan phi है और horizontal से तो ये जो बचा हुआ जो पार्ट है horizontal से इधर वाले को अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ तो tan phi को थीटा में कन्वर्ट कीजिए तो tan theta को क्या लिख सकते हो आप, tan theta को क्या लिख सकते हो, tan 180 में से minus 5 लिख सकते हैं, which is equal to क्या हो जाएगा, minus tan 5, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ से tan theta
tan थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन जी, और आपको यही फॉर्मूला याद करना है, आपको यही फॉर्मूला याद करना है। तो थीटा क्या है, क्लियर हो गया, थीटा हमारा इधर से हॉरिजॉन्टल से ये जो फॉर्म हो रहा है, सेकेंड लेयर फॉर्म हुआ है, दिस इज थीटा, ठीक है, और ये ऊपर वाला फाई, तो फाई से आपको लेना देना नहीं है, सिर्फ थीटा पता होना चाहिए कितना ये हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर की ओर लेयर टू बनता जा रहा है, दैट इज थीटा, और दैट्स टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन अपॉन जी, दैट इज ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बस यहाँ से याद रखना है, और कुछ भी चीज याद नहीं करना इस टॉपिक से, डेरिवेशन वगैरह कुछ लेना देना नहीं है, आप बस इस फॉर्मूले को कैसे रिलेट करोगे आपको आइडिया हो गया होगा, क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझने के लिए कि भाई ये फॉर्मूला बना क्या, और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का एक्चुअल में यूज कहाँ है, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ये क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे हटकर क्वेश्चन जूनियर इंजीनियरिंग में इससे टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं और इससे ही क्वेश्चन बनेगा। जनरली जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक से बहुत कम होता है कि क्वेश्चन बनता है, बहुत कम चांस होता है, कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, बट जो क्वेश्चन बनता है गाइज, तो मैं आपको जो ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है पूछने के लिए और बहुत कुछ पूछा भी रहा है इस क्वेश्चन में, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊंगा, और इन्हीं में से एक सिंपल सी कोई एक चीज आपको जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछ देता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम एक सर्कुलर सेक्शन का देखेंगे और उसका डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला देंगे और ये टॉपिक बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इस पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तो नहीं करा रहा हूँ, जब मैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स, क्योंकि इसका जो पार्ट है गाइस कुछ फ्लूइड काइनेमेटिक्स में है, जब मैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ा लूंगा फिर उसके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखेगा उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब मैं आपको, तब आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कंटेनर ऑफ हाइट 10 मीटर, एक कंटेनर है जिसका हाइट 10 मीटर है, उसकी विड्थ 4 मीटर है, और वाटर इज एट कंटेनर एट 6 मीटर, ठीक है, वाटर 6 कंटेनर में 6 मीटर हाइट तक वाटर है, ठीक है, और इसका जो विड्थ है गाइस, ठीक है, इसमें विड्थ दिया गया है 4 मीटर, ठीक है, और इसका कुछ यस क्या बोलते हैं यार ये वाला डायरेक्शन को, ये लेंथ हो गया, हाइट हो गया, विड्थ जो है, ठीक है, तो अपन उसको 2, यहाँ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ कि जो विड्थ हो गया ये वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, इस तरह एक कंटेनर होगा, ये पूरा पानी भरा होगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो ये 4 है लेंथ, हाइट 6 है, तो ये जो विड्थ होगा, ये जो विड्थ होगा ये कितना है, ये क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, ठीक है, मैं W लिखकर 2 लिख देता हूँ, 2 मीटर आगे काम आएगा इसका, समझ गया ना किस तरीके का कंटेनर ये। अब देखो क्या हो रहा है कि अब इसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, केस 1 है कि अगर इसको एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जी के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, इज वाटर स्पिल आउट और नॉट, क्या, तो अगर मैं इसको एक्सेलरेट करा दूं, अगर मैं इस कंटेनर को एक्सेलरेट करा दूं एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहा हूं और इसकी वैल्यू क्या है, जी रखना है, एक्स की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी रखना है, इन दैट केस क्या वाटर स्पिल होगा, क्या बाहर निकल जाएगा कंटेनर से, ऊपर से कंटेनर खुला हुआ है। तो देखिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन, क्या पढ़ा था, सॉरी जी नॉट, एक्सेलरेशन अपॉन एक्स डायरेक्शन अपॉन जी, यही पढ़ा था, तो ये था हमारा टेन थीटा, ये था हमारा थीटा, ठीक है, ये पूरा कितना है गाइस, ये पूरा अगर 4 है तो यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, और क्योंकि ये x है ना, और ये ऊपर z है, और ये क्या है हमारा, ये जो इतना डिस्टेंस ऊपर गया है ये है z, ठीक है, तो टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो z अपॉन 2 इज इक्वल टू ए एक्स की जगह जी पुट कर देता हूँ अपॉन जी, जी से जी कट गया, यहाँ पे जो जेड की वैल्यू आ गया 2, जेड की वैल्यू आ गया 2। तो ध्यान से देखो, अगर ये टोटल कंटेनर का लेंथ 10 मीटर है, 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो कितना मीटर ऊपर खाली स्पेस बच गया,
ऊपर कितना बच गया, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया गाइस, यहां से ये जेड की जो वैल्यू है कितना बच गया, चार बच रहा है। तो जेड की वैल्यू टू है, तो मतलब क्या हो रहा है कि वाटर स्पिल नहीं हो रहा है, नॉट स्पिल, ठीक है। स्पिल होने के लिए जेड की वैल्यू चार से ज्यादा होगा, चार से ज्यादा जेड की वैल्यू होगा तब पानी क्या होगा कहीं पे यहां से निकलना चालू होगा, बट अभी जेड की वैल्यू कितनी है, टू। तो पहले के क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि नहीं, नहीं हो रहा, स्पिल नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप एक्सिलरेशन की जो एक्सिलरेशन अगर आप जी के बराबर रखते हो, इन दैट केस देयर विल बी नो वाटर स्पिल आउट फ्रॉम द कंटेनर, ओके। तो केस वन का तो काम हमारा निपट गया, केस वन निपट गया, ठीक है, समझ गया ना। केस टू है कि एट व्हाट एक्सिलरेशन वाटर स्पिल आउट, तो ठीक है इस एक्सिलरेशन में अगर वाटर स्पिल आउट नहीं हो रहा है a is equal to g में, तो कौन से एक्सिलरेशन पे वाटर स्पिल आउट होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इस वाटर एक्सिलरेशन स्पिल आउट हो कब होगा, जब z की वैल्यू क्या है, 4 होगी, z की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा थीटा इस तरीके से लेयर बन जाएगा, पानी का लेयर इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला लेयर हमारा यहां कहीं आ जाएगा और ये हमारा इधर इस तरीके से ऊपर की ओर चला जाएगा, तभी तो पानी यहां से स्प्लिट होना होगा, यही हमारा है एक्सिलरेशन। ये ax की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो देख आइए देखते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू ax अपॉन g, ठीक है। tan थीटा क्या हो जाएगा, z अपॉन 2, यहां से यहां तक का z अपॉन 2 व्हिच इज इक्वल टू ax अपॉन g, z की वैल्यू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू ax अपॉन g, और यहां से 2 2 जब 4 और यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा, That is acceleration का, acceleration जो होगा अगर 2g है तब जाकर कहीं पे आपका spill out होगा। यहां भी guys अगर ध्यान से देखा जाए तो case 2 ये नहीं है, ये case 2 के बीच वाला है, बोला जाए तो ये case 1.1 है, ठीक है, 1.5 बोला जाए, बीच में है, 1 आएगा 1.5 and 1.2, sorry फिर 2, ठीक है। तो 1.5 केस मैंने इसलिए रखा कि केस 2 में पूछ रहा है कि किस एक्सीलरेशन पे वाटर स्पिल आउट हो जाएगा, बट अगर ये जेड की ये जो 4 है, वाटर जब ये 4 एच जेड इज इक्वल टू 4 तक पहुंचेगा तो स्पिल होना स्टार्ट नहीं होगा गाइस, जस्ट ये यहां ये ऐसा पॉइंट है जहां से इसके बाद एक्सीलरेशन अगर थोड़ा सा भी बढ़ाते हो तो ये क्या होगा, बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो केस 1.5 है, अगर आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g रखते हो तो इन दैट केस वाटर स्पिल नहीं होगा, बट हाँ स्पिल होने के जस्ट पॉइंट पे वो पहुंच जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा भी एक्सेलरेशन आप ऊपर किए ये स्पिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो केस 2 की बात की, अब हमारा केस 1 के 1.5 के बाद आता है केस 2। इन दैट केस अगर हम यहाँ पे अगर हम अपने से यहाँ पे, क्योंकि हमें पता चल गया एक्सेलरेशन 2g से थोड़ा सा भी अगर हम बढ़ा दें तो हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन को हम 2.2 या 2.1 रख देते हैं, ठीक है, तो 2.2g में रख दे रहा हूँ। इन दैट केस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइए देखते हैं क्या निकलती है जेड की वैल्यू। तो जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.2g अपॉन जी, जी से जी कैंसिल हो गया और जेड की वैल्यू हो जाएगी कितना, यहाँ पे ये 2 है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज और समझने वाला है, यहाँ पे हम गलती कर रहे थे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो क्या गलती हम कर रहे थे गाइस। गलती हम ये जरूरी है हमेशा ओरिजिन पे ही रहेगा, अपन तो ये डायग्राम ही पहली बात गलत बनाया है, क्यों गलत बनाया अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं डायग्राम को थोड़ा सा इसको ठीक करता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये लाइन हमेशा ओरिजिन से ही जाएगी क्या, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे हमेशा ओरिजिन से ही थोड़ी जाएगी, ये थोड़ा सा दब, जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो ये थोड़ा सा लाइन अंदर की ओर भी तो दब जाएगा ना यार, है ना। तो अपन इसको थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा ये रियलिस्टिक की तरह दिखे, जब स्पीड आप बढ़ा रहे हो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसको कैसे डिलीट करें यार, ओके नई लाइन में बना देता हूँ, यहाँ पे ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अपन मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है, जेड एक्स, ठीक है, ये हमारा 4, ठीक है, सही था डायग्राम। बस ये ओरिजिन क्या होगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे ना, तो ये लाइन जो पहले ओरिजिन पे मान ली इस तरीके से थी, फिर ये ओरिजिन से भी तो अंदर की ओर हटता जाए, और स्पीड बढ़ाओगे तो ये लाइन क्या किस तरीके से हो जाएगी,
ऐसे कहीं हो जाएगी और स्पीड बढ़ाओगे तो ये लाइन कहीं ये पॉइंट तो यहीं पे रहेगा क्योंकि यहाँ से पानी निकलता जा रहा है और इधर का जो पॉइंट स्पीड बढ़ाने से ये इस तरीके से हो जाएगा, ओरिजिन से अंदर की ओर जाता जा रहा है। तो अपन जो टेन थीटा इस बार जो फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन जी, इस बार टेन थीटा हम यहाँ पे ना लेकर ये इस लाइन पे टच हो रहा ना, यहाँ से लेंगे टेन थीटा, दैट इज थीटा, ये ओरिजिनल। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, ये हमारा जेड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर, ठीक है। तो जेड अपॉन फोर इज इक्वल टू 2.2 जी अपॉन जी, जी से जी कट जाएगा और यहाँ से जेड की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 8.8, ठीक है। तो जेड की वैल्यू क्या हो गया, तो अभी इस केस में यहां से लेकर यहां तक ये जो है जेड, दैट इज जेड थ्री, इसको नाम दे देते हैं, दिस इज जेड थ्री, दिस इज जेड टू एंड दिस इज जेड वन, ठीक है। ये है हमारा 8.8, तो कितना बच गया, 10 में से 8.8 गया तो कितना बच गया, 1.2 यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आप जैसे बढ़ाओगे 2.2 कर 2 से ऊपर करोगे, 2.2 करोगे तो पानी क्या होगा, स्पिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस आप तो बता सकते हो कि एट विच एक्सेलरेशन वाटर स्पिल आउट, तो एट टू जी वाटर यहाँ से स्पिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो और उसी को दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया कि जैसे मैं 2 से ऊपर किया, देखो जेड की वैल्यू होना चाहिए कितना, 4, और वो 8.8, मतलब बहुत ज्यादा ही निकल रहा है पानी, ठीक है, पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, देन व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल आउट, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस केस में, अभी का जो केस है इस केस में, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी स्पिल आउट, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल आउट हो गया। तो इसके लिए फाइनल वॉल्यूम कितना है पहले ये देखते हैं, फाइनल वॉल्यूम इन द सेंस कि अभी देखिए जब इस केस में इसकी वॉल्यूम क्या है, अभी जो आपका कलरफुल यहां पे दिख रहा है इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी वॉल्यूम अगर देखा जाए तो देखो पहले मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं, कितने पार्ट का वॉल्यूम, 4 into 1.2 ये हो गया इतने पार्ट का एरिया, और ऊपर क्या रह गया, इतना सारा ये रह गया ट्रायंगल, तो इसमें प्लस कर देता हूं ट्रायंगल, दैट इज हाफ, बेस कितना है 4 into हाइट कितना है, यहां से यहां तक का हाइट कितना है 8.8, ये दोनों का एरिया हो गया। इस दोनों के एरिया में अगर मैं इसका ये वाला विड्थ, ये जो विड्थ जो 2 मैंने लिखा था, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम निकल गया, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया जब वाटर स्पिल होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल कितना वॉल्यूम था, पहले कितना वॉल्यूम था भाई, पहले हमारा ये वॉल्यूम था, दैट इज 4 into 6 into 2, पहले ये वॉल्यूम था, ठीक है। तो बताइए कितना स्पिल आउट हो गया, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल आउट हो गया। तो क्या करोगे, v initial minus v final, है ना। तो यहाँ पे 48 में से v final की वैल्यू जो इसको सॉल्व करो माइनस करोगे तो कितनी वाटर 3.2 मीटर क्यूब के आसपास पानी स्पिल हो गया है यहाँ तक। और अगर आप स्पीड बढ़ाते हो एक्सेलरेशन इसी तरह के 2.2 एक्सेलरेशन को अगर 2.3 कर दो या एक्सेलरेशन को 3.1 कर दो, ये जो लाइन है ये कंटेनर जो है ये पानी इस तरीके से स्पिल होने लगेगा। अभी ये यहाँ पे था ना इस तरीके से, फिर ये लाइन इस तरीके से बन जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा और फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा, ये जो पॉइंट है इधर के पॉइंट ये चेंज होते जाएंगे, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बाहर निकलता जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कम होता जाएगा कंटेनर में, ओके। तो काफी सारे क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से बन गए और उसको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला को कैसे समझना है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं अगर कंटेनर हमारा रोटेट हो रहा है, ठीक है, अगर कंटेनर हमारा रोटेट हो रहा है इन दैट केस क्या होगा, ठीक है। ओके, तो अगर ये कंटेनर रोटेट हो रहा है, ध्यान से देखना, अगर ये कंटेनर इस तरीके से ओमेगा स्पीड से, एंगुलर ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो इसके अंदर जो पानी होगा गाइस, ठीक है, पानी का मान लीजिए शुरू में पानी का जो लेयर था कुछ इस तरीके से था, ये था हमारा वाटर का लेयर नंबर 1, इसको अपन यहाँ पे इस तरीके से एक्सटेंड करके नाम दिया लेयर नंबर 1, पहले इस तरीके से लेयर था,
और जैसे हमने इसको ओमेगा से रोटेट किया, ओमेगा वन से रोटेट किया, तो ये जो लेयर है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, ये लेयर इस तरीके का बन जाएगा, दिस इज लेयर नंबर टू। जैसे आप ओमेगा ओमेगा टू स्पीड थोड़ा और बढ़ाओगे, ये लेयर फिर इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ये लेयर इस तरीके से बन जाएगा, दिस इज लेयर नंबर थ्री। जैसे आप ओमेगा फोर स्पीड से रोटेट करोगे, ये फिर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। मतलब अब पानी जो इसके अंदर से स्पिल, ओमेगा फोर एक ऐसा वेलोसिटी है जहां से पानी क्या होगा, निकलना चालू हो जाएगा, स्पिल होने लगेगा, कंटेनर से पानी बाहर की ओर यहाँ से निकलने लगेगा जब लेयर फोर फॉर्म होगा। तो किस तरीके से लेयर फॉर्म हो रहा है, तो इस तरीके का कर्व, कर्व टाइप का लेयर फॉर्म होता है जब आप इसको सर्कुलेट करते हो ओमेगा। तो इन दैट केस ये भी तो हमारा ये ओरिजिन से क्या है, ऊपर का डायरेक्शन जेड है। अब ये जो कंटेनर है, ना ही ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ना ही ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये सिर्फ क्या, जो लिक्विड है इसका रोटेट करने से जेड डायरेक्शन ऊपर की ओर भाग रहा है, तो जेड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, उल्टा लिख दिया, बाकी सब तो इक्वल टू जीरो होगा। एक्स की वैल्यू जीरो, वाई डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट जीरो, जेड डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऊपर की ओर जाएगा। यहां से जो जेड की वैल्यू आती है, जेड क्या है समझ रहे हो ना, ये हाइट, दिस इज जेड वन, ठीक है, फिर लेयर टू जो जेड टू, तो ये जेड थ्री, ठीक है। तो जेड की जो वैल्यू आ जाएगी, जिस ओमेगा स्क्वायर, रेडियस, क्या रेडियस, ये रेडियस कंटेनर का रेडियस, ठीक है, आर का स्क्वायर अपॉन टू जी, जी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आता है फॉर्मूला जब आप किसी कंटेनर को रोटेट करते हो, रिजिड बॉडी इन रोटेशन मोशन, ठीक है, इस तरीके से। इस पर भी क्वेश्चंस हैं, बट जब इसमें भी पूछ देता है कि फाइनल वॉल्यूम कितना, इनिशियल वॉल्यूम क्या, कितना स्पिल आउट हुआ, सेम प्रोसेस जैसे ट्रांसवर्स के था उस तरह आप इसको भी चीजें को कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और अब हमारा स्टार्ट होगा गाइस काइनेमेटिक, ठीक है। तो फ्लूइड स्टैटिक का, फ्लूइड स्टैटिक जो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, पहला जो चैप्टर था हमारा फ्लूइड फंडामेंटल्स, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, सेकंड था फ्लूइड स्टैटिक, थर्ड चैप्टर हमारा होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फोर्थ चैप्टर होता है हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स, फिफ्थ चैप्टर होता है हमारा डायमेंशन एनालिसिस, और उसके बाद स्टार्ट होता है टर्बो के पार्ट, टर्बो के जिसमें हमारा टर्बाइन, जेट, ये सब चीजें आएंगी। तो फ्लूइड स्टैटिक ये दोनों पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, अब फ्लूइड काइनेमेटिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। डायनेमिक और ये जो है डायमेंशन एनालिसिस, ये आसान है, ये आसान है, बट ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स है ना गाइस, ये तो मुझे भी टफ लगता है, तो फिर आपको तो लगता ही होगा, क्या पता आपको आसान लगता हो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा इसको पढ़ाना। और ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक भी होगा, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंदी होगा, तो हो सकता है 1, 2 या 3 पार्ट मुझे बनाना पड़े, और उसके बाद मैं शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं कराऊँ, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, मैं कोशिश करूंगा गाइस इसको खत्म करने की जल्द से जल्द, अब देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।